भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में दोनों देश हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत के लिए पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक और गमगीन खबर है। जम्मू कश्मीर के बड़गम से 7 किलोमीटर दूर गारिंदा गांव में भारतीय वायुसेना का एक मिग लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। विमान के क्रैश होते ही वो खेतों में जा गिरा और देखते ही देखते विमान आग की लपटों की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में 2 पायलटों के शहीद होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल इस घटना के होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस विमान ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में विमान पेट्रोलिंग पर था, तभी प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान नीचे की ओर आने लगा और थोड़ी देर बाद जोरदार आवाज आई और विमान क्रैश हो गया। वहीं मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंच गया है। संवाद 365 के लिए काजल की रिपोर्ट।